हेलो दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोर से। अज की वीडियो में आप गल करेंगे अटल पेंशन योजना पंजाब की इसके बेनीफिट ने किमें अप्लाई कर सकता, कौन अप्लाई कर सकता, पूरी जानकारी थोड़ा इस वीडियो में देवगा। जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों सब तो पहले आप गल कर लेना इस स्कीम लिए अप्लाई कौन कर सकता है। दोस्तों भारत का वो नागरिक जो बेरोजगार है जां किसी गैर संगठित खेत्र में काम करता, एग्जाम्पल के तौर पर कोई शॉप पर काम करता है, जां कोई शॉप रन करता है, शॉप चलाउंदा है कोई, जां कोई दुकान पर काम करता है, जां खेतीबाड़ी करता है, इस तो इलावा कोई लेबर है, वो इस पेंशन वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसकी उम्र 18 तो 40 साल के बीचकार है वह कैंडीडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो बस आपको एक बैंक अकाउंट होना लाजमी है उसका जो भी इसमें अप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों जे तुसी अप्लाई करना चाहते हो तो अटल पेंशन योजना तो सब तो पहले आप बेनीफिट जान लेने कि बेनीफिट ने। नंबर पहले की गल करिए दोस्तों, तो लाइफ टाइम ग्रांटड मंथली पेंशन आँदी रहेगी। यह पेंशन जी एक तो लैके 5000 रुपया के विचकार होंगी है। नंबर दो की गल करिए, जो भी इस अटल पेंशन योजना अंडर आ गए जो पेंशन लिए अप्लाई कर रहा है, पेंशन ले रहा है, एग्जाम्पल तौर पर जो उसकी डैथ हो जाती है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, जे मैं अप्लाई की हुई है यह स्कीम, तो जे मेरी डैथ हो जाती है तो जो मैं नोमीनेट मेरी घरवाली बनाया होगा तो मेरी घरवाली यह जिहड़ी कि पेंशन मिलती रहेगी। तो नंबर तीजे नोमीनेशन की गल करिए कि जे मेरी घरवाली की भी डैथ हो जाती है तो जो भी मेरा पुत्र होगा या पुत्री होगा जिस दिन मैं नोमीनेशन किया होगा उसनों ज 1,70,000 तो लैके 8,50,000 तक का उसनों जोड़ा डैथ के बाद जो कि पैसा मिलता रहेगा इस स्कीम के अंदर। उम्मीद है दोस्तों तुम्हें समझ से आ गया होगा, जो नहीं समझ से आ रहा तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं तुम्हारी यह प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर देगा। इस तो इलावा जो भी स्कीम में अप्लाई कर रहा वो खुद डिसाइड कर सकता है कि वह कितनी पेंशन लेना चाहता है, जिवें कि इतने आप देख सकते 1,000 तो लैके 5,000 तक वह कैंडीडेट इसमें पेंशन वास्ते अप्लाई कर सकता है। जो 1,000 की लेना चाहते हो तो 1,000 की भी मिल जूगी, 2,000 की, 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की। दोस्तों एक तुहाड़ी चॉइस है, जिहड़ी भी पेंशन तुम लेना चाहो, जिहड़ी भी स्कीम इस विच लेना चाहते हो तो लै सकते हो। हूँ दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप 4,000 रुपये पर मंथ की पेंशन की स्कीम लेना चाहते हैं तो इस वास्ते एक एज रखी गई है और थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना पैंता है। तुम्हें मैं चार्ट दिखा देना, फिर तुम आसानी नाल समझ जाओगे कि इसका कंट्रीब्यूशन एज लिमिट होंगी है। दोस्तों ये तुहाडे सामने है इन्हों का जिहड़ा अटल पेंशन योजना, इन्हों का चार्ट बनाया हुआ है। तो उपर वाले बॉक्स में आप चैक कर सकते हैं 1,000 रुपये की पेंशन है, 2,000 की, 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की। क्योंकि दोस्तों एक बार समार के इसमें समझने वाली गल है, एक बार चैक कर लो। तो नीचे निचले बॉक्स में लिखा है कि जे आप 1,000 रुपये वाली पेंशन लें तो जिहड़ी कि डैथ तो बाद अपने नोमीनेट होगा उन्होंने 1 पॉइंट मतलब कि 1,70,000 रुपये उसनों मिले। जे आप 4,000 वाली लें तो उसनों 6,80,000 रुपये उसनों जिहड़ा नोमीनेशन मिलेगा डैथ होने तो बाद। जो एग्जाम्पल तौर पर मैं अप्लाई किया हो पेंशन वास्ते कि मेरी डैथ हो जाता तो मैं 4,000 रुपये पर मंथ वाली जी स्कीम यह ली हुई सी, इस तो बाद जी मेरी डैथ हो जाती है तो 6,80,000 जो मैं नोमीनेट होगा मेरा पुत्र या पुत्री उसनों 6,80,000 रुपये डेफिनेटली मिलेगा। जो 5 वाली लें तो 5,000 मैं पेंशन लै रहा तो उस तो बाद मेरी डैथ हो जाती है तो 8,50,000 रुपये जोड़ा कि मेरा नोमीनेशन मिलेगा। हूँ दोस्तों तुम्हें तो समझा देना कॉन्ट्रीब्यूशन तो एज लिमिट की है इस स्कीम। एग्जाम्पल के तौर पर जिम्मे मेरी एज है वो 24 साल की है, इतने तुम देख सकते हो 24 एज दिन एज का ऑप्शन है, इतने आप मैं 24 साल से सिलेक्ट कर लेना तो 24 साल इतने आप चैक कर सकते हैं। सब तो पहली लाइन में 24 आप चैक कर लिया, 24 साल की मेरी उम्र है। तो हूँ मैं महीने का इन्हों कॉन्ट्रीब्यूशन कि देना पऊ, इतने आप जो महीने वाइज देखिए तो 70 रुपये मैं इन्हों कॉन्ट्रीब्यूशन देना पऊ। जे मैं 3 महीनों का इकट्ठा देना चाहता तो 209 रुपये मैं देना पऊ, जे मैं 6 महीनों का देना चाहता तो 413 रुपये मैं देना पऊ। क्योंकि दोस्तों तो यह जे मैं महीने का 413 रुपये देना तो मैं 1,000 की जी कि पेंशन वो लागू हो जाती है। इस तरह जे मैं 4,000 वाली स्कीम लेना चाहता तो मैं इतने चैक कर सकता तो मैं महीने का जोड़ा कि 277 रुपये देने पैणगे, तो जे 3 मंथ से जो मैं स्कीम यही लेना चाहता तो मैं 826 रुपये देने पैणगे, जो 6 मंथ की लेना चाहता तो 1635 रुपये मैं इन्हों कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में देने पैणगे। बस काफ़ी वैसे है तो यह सौदा बेनीफिट दी है क्योंकि आप अद्धे तो भी घट रुपया इन्हों जमा कराने फ्यूचर में आपको ज़्यादा लाभ मिलना है।
ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਆਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੈਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਉਸਦੀ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।